हेलो दोस्तों, आज हम बना रहे हैं पुनः टमाटर की चटनी। तो इसके लिए चाहिए हमें टमाटर। टमाटर को मैंने ऑयल से अप्लाई कर दिया है और इसको मैंने गरम तवे पे रख दिया है। यहाँ पे मैंने लिए दो टमाटर, एक प्याज, चार पांच गार्लिक, एक ग्रीन चिली, और इन सबको मैंने एक प्लेट से ढक के रख दिया है और मीडियम फ्लेम पे कर दिया है। अब बीच बीच में हम चेक करते रहेंगे कि टमाटर हो गए हैं नहीं, अच्छे तरह से भुने हैं नहीं। यहाँ पे मेरा गार्लिक बहुत अच्छे तरह से हो गया, तो मैंने गार्लिक को यहाँ पे अलग कर दिया है और टमाटर प्याज को फिर से दोबारा ढक के रख दिया है। ये देखिए मेरे टमाटर कितने अच्छे से हो गए। इनको बीच बीच में अलटते पलटते रहेंगे हम। यहाँ पे टमाटर बहुत ही अच्छी तरह से हो गया। ये देखिए इनका छिलका उतरने लगा। अब इनको मैंने अलग से प्लेट में ट्रांसफर कर लिए और इनके छिलकों को हाथ से उतार लिए। टमाटर को कट कर लीजिए आप। यहाँ पे टमाटर प्याज हर चीज को छोटा छोटा चॉप भी कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर चॉपर है वंडर शेफ का, तो मैंने उन सब में ये चीजें डाल ली है और इसके ऊपर से मैंने हरा धनिया, थोड़ा सा नमक, इन सबको कर डाल के चॉप कर लिया। अब इसमें मैंने ऐड किया काला नमक, काली मिर्च और अच्छे से मिक्स कर लिया। और फिर मैंने ऐड किया लेमन और लास्ट में मैंने ऐड किया ग्रीन कोरिएंडर। और इसको स्मोकी फ्लेवर देने के लिए मैंने यहाँ पे एक दालचीनी का टुकड़ा लिया है। दालचीनी के टुकड़े को अच्छे से जला लीजिए। अगर आपके पास कोयला नहीं है, ये ऑप्शन है आपके पास, और इसको फिर एक प्लेट में रख लिए, चटनी के बीच में ही रख लिए और इसके ऊपर थोड़ा सा घी डालिए और घी डालने के बाद एकदम से इसको ढक दीजिए। ये देखिए बहुत ही अच्छा स्मोकी फ्लेवर आएगा इस ऐसा करने से। हमारी चटनी है तैयार। आप इसको पराठे, रोटी, किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।